पता है जैसे अंडा नहीं तवे पे सिक रहा होता है वैसे स्किन सिक रही होती है। मैं सोच रहा हूँ इसका भी एडमिशन करा दूँ। ये भी अब पड़ेगी, ये भी। गाइस वेलकम टू लवली व्लॉग। सब सफाई हो, आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट हम करने जा रहे हैं इडली। तो बहुत दिनों से इडली नहीं खाया था, तो सोचा कि आज इडली खाए, बहुत मन कर रहा था इनका भी इडली खाने का। तो मैं जा रही हूँ इडली शॉप पे इडली लेने के लिए। और सुबह के 9 बज रहे हैं, मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है और धूप भी हल्का हल्का, मज़ा आ रहा है। मैंने इडली पैक करवा लिया है, अब चलते हैं घर। घर जाके फ्रेश होके फिर खाएंगे इडली। जाके देखती हूँ कि वो भी करके आ रहे हैं। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया शॉप पे इडली लेने में, क्योंकि भीड़ बहुत थी। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम है और काफ़ी भीड़ रहती है उस शॉप पे। नॉर्मल सा इडली का छोटा सा शॉप है और बहुत ही यम्मी इडली देता है। तब फटाफट जाते हैं घर। सो गाइस मैं घर आ गई थी इडली लेके, और ये बिजी थे इसलिए मैंने उस टाइम रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये रहा हमारा इडली, नारियल की चटनी, और यहाँ पे एक अजीब ही तरह का ये सांभर मिलता है। सांभर पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, अलग अलग शॉप पे अलग अलग तरह का मिलता है। तो कैसा लग रहा है आपको? ऐसे पूछ रही हो ना जैसे कि तुम बनाई हो। अरे मैं नहीं बनाई हूँ, पर हम बहुत दिनों बाद ये वाली इडली खा रहे हैं ना। इनका वो नारियल वाला चटनी अच्छा नहीं लगता, सांभर अच्छा लगता। करीब एक डेढ़ महीने बाद इडली ये वाला खा रहे हैं, तो बहुत ही शौक से खाते, बार बार नहीं खाते कि वो टेस्ट मिस ना हो जाए, इसलिए हम कभी कभार ही खाते हैं ताकि वो स्वाद बना रहे। हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा अचानक से कहीं बाहर जाने का प्लान बन गया, तो हम लोग बाहर जा रहे हैं। वैसे भी छुट्टी वाला दिन है, छुट्टी वाला दिन है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती की छुट्टी है, तो हम लोग जा रहे हैं बाहर। और कहाँ जा रहे हैं वो ये बताइए, क्योंकि मेरे लिए भी सरप्राइज है। बस ये अकेले जा रहे थे, फिर मेरे को लगा कि नहीं मेरे को भी जाना है। कॉलेज के एडमिशन के लिए, तो एक इनका ये जा रहे थे, तो मेरे को लगा कि मेरे को भी जाना चाहिए, मेरा अकेले मन नहीं लग रहा था, तो बोले चलो तो मैं भी साथ में चल लेती हूँ। सो गाइस हम लोग लोकेशन पे पहुँच गए हैं, अभी उनके कज़न आएंगे, उनको रिसीव करना है। और धूप की वजह से मैंने मास्क लगा लिया, तो और आज इतनी अथाह धूप है बैंगलोर में, इतनी गंदी वाली धूप है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग पूरा बदन जल रहा है। अभी हमने गाड़ी पार्क करके पेड़ के नीचे खड़े हैं, अभी वो आते ही होंगे। गाइस हम लोग कॉलेज पहुंच गए हैं, और ये कॉलेज का कैंपस है। प्रोसेस पूछ रहे हैं एडमिशन वगैरह का कैसे हुआ क्या नहीं, जो भी प्रोसेस है यहाँ बैंगलोर का। तो ये है एक्सिस बैंक का कैंपस। बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा। गाइस कॉलेज का सारा प्रोसेस पूरा हो चुका है। हम लोगों ने क्या कहते हैं, मैंने खासकर कॉलेज की कैंटीन में फर्स्ट टाइम ऐसे खाना खाया है। अच्छा था, हाँ अच्छा था, बट वो साउथ इंडियन वाला नहीं था, मतलब कि हल्का हल्का साउथ इंडियन फील आ था, बाकी सारा नॉर्थ वाला टेस्ट आ रहा था खाने में। तो अच्छा है, शायद आज ही ऐसा हो या रोज ही रोज ऐसा होता होगा। हाँ रोज ही शायद ऐसा रहता। अच्छा है, मतलब कि कोई भी बच्चा अगर नया नया साउथ नॉर्थ से आएगा तो खाना से उतना परेशान नहीं होगा, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। तो अब ये बाइक निकाल रहे हैं, हम जा रहे हैं अब सीधा घर। बहुत ज़्यादा टाइम तुम्हारा भी एडमिशन करा देते हैं। हाँ ठीक है, करवा दो। मैं सोच रहा हूँ इसका भी एडमिशन करा दूँ। ये भी अब पड़ेगी, ये भी स्टेट। हाँ वहाँ से क्या कहते हैं कितना 30-35-25 किलोमीटर दूर। तो हॉस्टल में रहेगी ना आराम से? नहीं मुझे हॉस्टल में नहीं रहना, अपना घर होते हुए मैं हॉस्टल में एडमिशन, ये फिर सब स्टूडेंट बनने वाली है, मैं इसका एडमिशन करवा रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ गाइस। अपना घर छोड़ के हॉस्टल में क्यों रहूँ बेंगलोर में रह के। निकालो बाइक फटाफट। तो गाइस हम लोग लगभग घर पहुँच गए हैं, और बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, तो हमने सोचा कि
ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पी लेते हैं। वहाँ पे जूस बनवा रहे हैं वो, अब पियेंगे। और इतनी धूप थी आज तो हालत खराब हो गया धूप में। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, धूप और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। तो अभी हम पी रहे हैं जूस। क्या है, हालत खराब हो गया था गर्मी से धूप से। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और ऑफिस जाने की तैयारी स्टार्ट हो गई है। यहाँ का निकाल दिया है लंच, ये करेंगे लंच करेंगे, सॉरी ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करेंगे। जब तक ये ब्रेकफास्ट करता है तब तक मैं इनका बैग रेडी कर देती हूँ, लंच बॉक्स, लैपटॉप चार्जर सब कुछ रेडी कर देती है। फिर इनको ऑफिस तक छोड़ के आना पड़ेगा छोटे बच्चों की तरह, है ना, है ना। घर से निकल चुके हैं हम ऑफिस के लिए। ये आपका ये लटे तो सवार हो आजकल धूप कितनी हो रही है ना इस साल, पता नहीं बेंगलोर में क्यों इतनी गर्मी हो रही है और बारिश भी नहीं हो रहा है। मैं लेके जा रही छाता धूप से बचने के लिए। गाइस मैं तो मस्त छाता में कवर होके जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। और इधर का धूप ऐसे कि शरीर को ऐसे जलाता है, जैसे अंडा नहीं तवे पे सिक रहा होता है वैसी स्किन सिक रही होती है। दिल्ली से है ये लड़की, मैं ऐसे बोल रही, दिल्ली का गर्मी नहीं देखी है। अरे दिल्ली की गर्मी मैं देखी हूँ, पर क्या कहते हैं वो दिल्ली का धूप ऐसा नहीं है यार, वहाँ लिटरली धुआं उठता है रोड से। यहाँ कभी कभी धूप होता है, मतलब कि 50% धूप होता है तो ऐसा लगता है स्किन पक रही हो, भून रही हो, ऐसा सा छाता ही सहारा है। चलो वहाँ तक छोड़ देती हूँ, किनारे तक आपको, ऑफिस के गेट तक आपको छोड़ देती हूँ, फिर मैं पीछे चली जाऊंगी। ब्लॉग तो करते हैं यही है, दोनों छाते में आ जाओ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखें, अपनों से प्यार करें। और कुछ दिन से हम लोग वीडियो नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि कुछ फैमिली इशू हो रखा था, तो अब उससे तो उभरे हैं, तो ब्लॉगिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड फैमिली इशू। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।